दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का रिक्वायरमेंट ऐसे था कि हमें एमिनिटीज़ चाहिए, लेकिन ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं चाहिए, लाइक स्विमिंग पूल वगैरह नहीं चाहिए, क्लब हाउस वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मेंटेनेंस देने के लिए बहुत ही भारी गिर सकते हैं। तो एमिनिटीज़ कितना होना चाहिए, लाइक गार्डन हो जाना चाहिए, सीनियर सिटीजन के लिए एरिया होना चाहिए, प्ले एरिया होना चाहिए, प्लस पार्किंग हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये स्विमिंग पूल वगैरह झंझट नहीं पालना है, क्योंकि स्विमिंग पूल वाला जो प्रोजेक्ट रहता है वैसे प्रोजेक्ट में आपको 1000-1200 के आसपास तक मेंटेनेंस जा सकते हैं। नॉर्मल बिल्डिंग में कैसे रहते हैं, छोटे मोटे जो एमिनिटीज़ रहते हैं वहाँ पर आपको 500 से 600 के आसपास मेंटेनेंस लगता है। और नियर बाय स्टेशन प्रॉपर्टी है, G+4 का बिल्डिंग है, 1 BHK में आपको दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, 555 स्क्वायर फीट का और 600 स्क्वायर फीट का बिग साइज का 1 BHK फ्लैट है। बजट के अकॉर्डिंग आप शिफ्ट हो सकते हो। दोनों ही फ्लैट का प्राइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, साथ ही साथ डाउन पेमेंट, EMI, कौन सा सिटी है, कौन सा स्टेट है, वो सारी चीज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा, ताकि ज्यादा आपको कमेंट्स करके पूछना ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले आपको मिल जाएगा लिविंग। लिविंग का साइज आप देख सकते हो 600 स्क्वायर फीट का है, तो फिर बड़ा तो होना चाहिए फ्लैट। तो साइज कितना है इसका, कम से कम ये 16.5 फीट का आसपास ये लंबाई में आपका लिविंग है दोस्तों। बिग साइज का सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हो ये है आपका लिविंग 16.5 फीट। अगर आप एक फ्लैट में रहते हो तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि 16.5 फीट आपका लंबाई है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास यूज करने के लिए आपका ये लिविंग। और जैसे ही आप देखोगे डोर का क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर आपको डोर दिए गए हैं, 102 फ्लैट नंबर है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये एक पावर पॉइंट आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपका टीवी आ जाएगा। इस तरफ आप एल शेप में अगर बड़ा सा सोफा लगाते हो तो भी काफ़ी सारे लिविंग में आपको एरिया यूज़ करने के लिए मिलता है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर पॉइंट, जो कि लाइट और फैन के लिए एक्सेस कर सकते हो। अगर आप 20-25 हज़ार रुपया खर्चा करके यहाँ पर अगर आप फॉल सीलिंग वगैरह बना लेते हो ना दोस्तों, आपका फ्लैट एकदम चमकदार हो जाएगा। इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा फ्रेंच विंडो मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा बालकनी। फिलहाल यहाँ पर हमारे जो वर्कर है उनका सामान वगैरह रखा हुआ है, तो इसके लिए कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, बाकी हम एक बार और क्लीनिंग वगैरह करके आपको दे दिया जाएगा। कलर तो हो चुका है इसका फाइनल कलर। लंबाई में ये 9 फीट के आसपास, ऐसे में आपको 2 फीट के आसपास मिलेगा। बाहर का व्यू आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपको बाहर का व्यू देखने के लिए मिलता है, ग्रीनरी ग्रीनरी रहेगा। फिलहाल तो बारिश स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाता है तो ये पूरा एरिया आपको ग्रीन 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 देखने के लिए मिलेगा। नियर बाय स्टेशन प्रॉपर्टी है दोस्तों, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, कितना डिस्टेंस है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लिविंग को आप देख लीजिए, यहाँ से कुछ इस तरीके का आपको लिविंग मिलता है, 16.5x9 का आपका लिविंग रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर आपको मिलता है बड़ा सा किचन। ऐसे किचन आपको ज़्यादातर नहीं देखा रहेगा, कितने बड़ा किचन है आप देख सकते हो, सिर्फ यहाँ तक नहीं है दोस्तों, यहाँ तक है आपका किचन। लंबाई में ये कम से कम ये 10 फीट का आसपास ये लंबाई में है आपका किचन, 10 फीट ऐसे लंबा। और ऐसे में आपको मिल जाएगा 7 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 7 फीट, ऐसे में आपका 10 फीट का आसपास। दो बंदा अगर यहाँ से भी वहाँ जाएंगे ना तो भी इसे कवर नहीं कर पाएंगे। तो प्लेटफॉर्म आपका इस तरफ रहेगा, देख लीजिए ब्राउन मार्बल का ये प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेनलेस स्टील का सिंक है, पानी आपको मिल जाएगा यहाँ पर 24 आवर्स पानी अवेलेबल है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 5x4 का आसपास का विंडो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर आप देख लीजिए बीम बॉटम लेवल तक आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए हैं। एग्जस्ट फैन के लिए आपको कॉर्नर पे जगह दिए गए हैं। पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हो आपका मिक्सर के लिए। यहाँ पर एक आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा, आप यहाँ पर एक्वा सेट कर सकते हो। इस तरफ अगर आप देखोगे तो पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा, जो कि आपका फ्रिज यहाँ पर लग जाएगा। डबल डोर का भी अगर आप फ्रिज रखते हो ना तो काफ़ी सारी एरिया आपको किचन में यूज़ करने के लिए मिलेगा। फिलहाल ये टेबल है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको आइडिया कम लग रहा होगा, बाकी ये लंबाई में 10 फीट, ऐसे में आपको 7 फीट के आसपास आपको मिलता है आपका किचन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर यहाँ पर आपको मिल जाता है पैसेस, देख लीजिए 4x4 का आसपास ये हो गया आपका पैसेस का एरिया। प्लस इस वाले कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा एक वॉश बेसिन, फ्रंट वॉल में टाइल्स रहेगा। ऊपर अगर आप देखोगे 500 लीटर का आप टैंक इजीली रख सकते हो यहाँ पर, प्लस इन्वर्टर के लिए भी यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए। इन्वर्टर भी आप रख सकते हो, बैटरी वगैरह रखना है वो भी रख सकते हो, प्लस आपका वाटर टैंक भी यहाँ पर बैठ जाएगा। इन्वर्टर से याद आया, लाइट का कोई भी झंझट नहीं है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करके कभी कभी पूछते रहते हैं, लाइट का कोई भी झंझट नहीं है, MSEB का लाइट है, 24 घंटा लाइट अवेलेबल रहते। इनकेस कभी बारिश तूफान हुआ तो कुछ घंटे के लिए कट होता है, बाकी अदरवाइज कट नहीं होता है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा आपका टॉयलेट। साइज आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 फीट ऐसे, ऐसे में आपको 3 फीट के आसपास, तो यानी कि 3x4 का आसपास ये हो गया आपका टॉयलेट। फिलहाल यहाँ पर इंडियन है, वेस्टर्न भी आप लगा सकते हो, छोटा मोटा चार्जेस वो आपको अलग से देना पड़ेगा, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया। आप देख लीजिए वॉल टू वॉल टाइल्स, बैक साइड में आपका विंडो रहेगा। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ आपको एक बाथरूम मिल जाता है बड़ा साइज का, देख लीजिए ये 6-6.5 फीट के आसपास ये लंबाई है। और ऐसे में आपको 4 फीट के आसपास यूज़ करने के लिए मिलता है ये आपका
बाथरूम हो गया। बाकी बिल्डअप एरिया मैंने आपको बता दिया 600 स्क्वायर फीट का है। बाकी यूजेबल जो आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है वो मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ, 1-2 इंच ऊपर नीचे होगा उसका आप देख लीजिएगा। वॉल टू वॉल सेम एज इट इज़ वॉल टू वॉल टाइल्स लगा कर दिए गए। इस तरफ आपका विंडो रहेगा, शावर आपको मिल जाएगा, फिटिंग वगैरह करके रख दिया है। एक वॉशिंग मशीन आप अंदर भी लगा सकते हो या फिर इसे यहाँ पर भी रख सकते हो। एक पावर पॉइंट आपको अंदर ही दिए गए जो कि आप यूज़ कर सकते हो आपका गीजर के लिए। इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा बेडरूम। बेडरूम आप देख लीजिए दोस्तों, ये है आपका बेडरूम। साइज आप देख सकते हो, कम से कम ये 10.5 फीट का आसपास ऐसे है और ऐसे में आपको 10 फीट मिलेगा। तो 10.5 बाय 10 का ये हो गया आपका बेडरूम। बेड लगा कर भी आपको काफ़ी सारे स्पेस उस तरफ यूज़ करने के लिए मिलेगा। इस तरफ अगर आप वॉर्डरूम रख देते हो इस तरफ आपका बेड आ जाता है। बाकी का एरिया आपको यहाँ पर 3 फीट का आसपास पूरा लाइन में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपका अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पर अभी आपको मिल जाता है बेडरूम में बालकनी, लिविंग में आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाता है। ब्रांड न्यू फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस दूसरा जो फ्लैट है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करते हैं। बाहर का व्यू आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपका बाहर का व्यू है। सामने जो आप देख पा रहे हो G+4 का बिल्डिंग, येलो कलर का जो बिल्डिंग है ना दोस्तों, ये सीधा रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं और रास्ते का काम भी चल रहा है तो कुछ ही दिनों में ये कॉन्क्रीट का रास्ता आपका बन जाएगा। फिलहाल मैं बैक साइड का शूट कर रहा हूँ फ्लैट, अगर आप फ्रंट पे देखोगे तो क्योंकि बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी है दोस्तों, और स्टेशन से हार्डली आपका 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस G+4 का बिल्डिंग सोसाइटी भी अभी बन चुका है दोस्तों। जस्ट अभी 15-20 दिन हुआ है इस वाले कॉम्प्लेक्स का सोसाइटी बनके। ए विंग, बी विंग, सी विंग और डी विंग है दोस्तों, सभी बिल्डिंग में फैमिली रहने के लिए आ चुके हैं और सोसाइटी भी जैसे कि मैंने आपको बताया बन गया है दोस्तों। रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग का OC भी आ चुका है, प्ले एरिया है, गार्डन है, CCTV कैमरा है, पार्किंग का सुख सुविधा अवेलेबल है। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया 1BHK में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। 1BHK में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, 555 स्क्वायर फीट का और ये वाला रहेगा आपका 600 स्क्वायर फीट का 1BHK। जो मैं शूट कर रहा ये है आपका फर्स्ट फ्लोर पे और जो 555 स्क्वायर फीट का है वो है आपका ग्राउंड वाले फ्लोर पे। जिनका बजट कम है, जो लोग सीनियर सिटीजन है, वो लोग ग्राउंड फ्लोर पे अगर लेना चाहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे भी ले सकते हो। बजट कम है तो ग्राउंड फ्लोर पे ले लीजिए, बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे भी ले सकते हो। अब दोनों में फ़र्क क्या आ जाएगा, जो आपको बालकनी मिला है बेडरूम में बालकनी, लिविंग में बालकनी, वो दोनों ही बालकनी आपको नहीं मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर, यही चेंजेस है। बाकी ओवरऑल फ्लैट जो है वो आप एज इट इज़ रहेगा, मिरर फ्लैट रहेगा, सिर्फ आपको बालकनी नहीं मिलता है ग्राउंड फ्लोर पर, चाहे वो लिविंग में हो चाहे वो बेडरूम में, दोनों ही जगह पे आपको बालकनी नहीं मिलेगा। अब प्राइस कितना है, एरिया कम है तो प्राइस भी कम रहेगा। तो ऑब्वियसली ग्राउंड का जो फ्लैट है वो है आपका 16 लाख विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में मिलेगा। इसके ऊपर कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है, जैसे कि मैं हर वीडियो में क्लियर करता हूँ। और इस वाले फ्लैट का जो कीमत है, इसका एरिया 600 स्क्वायर फीट का है तो इसका प्राइस आपको जाएगा 17,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है, प्रॉपर्टी से पहले डाउन पेमेंट आप वहाँ पर 1.5 लाख 1,60,000 का आसपास डाउन पेमेंट दे सकते हो। इस वाले फ्लैट के लिए 1,70,000, 1,80,000 या फिर 2 लाख का आसपास डाउन पेमेंट दे सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ ई एम आई अगर आप नीचे वाला फ्लैट लेते हो लाइक ग्राउंड वाला फ्लोर, उसमें आपको EMI 11,000 का आसपास आपका EMI निकाल के आएगा। अगर आप 3 लाख 4 लाख का आसपास डाउन पेमेंट देते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा डाउन पेमेंट दे देने पर यह फ़ायदा होगा कि आपका लोड कम पड़ेगा EMI, अगर आप भर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा डाउन पेमेंट देना ही अच्छी बात है। इस वाले फ्लैट के लिए कम से कम आपका 13 से 14 हज़ार का आसपास EMI निकल के आएगा। अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट देते हो तो और भी कम निकल के आ सकता है, 15 साल 20 साल के लिए आप लोन ले सकते हो। नेशनलाइज बैंक लोन अवेलेबल है दोस्तों। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है, प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है दोस्तों, नेरल सिटी, नेरल रेलवे स्टेशन से मात्र 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, रोड टच प्रॉपर्टी, ज़रूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मिल जाएगा। आप काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए है, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कज़र, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। सही मौका है एक घर लेने का, मुंबई में आज के तारीख में घर लेना बहुत ही मुश्किल हो चुका है क्योंकि वहाँ पर प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर नेरल जैसे सिटी में आपको 16 लाख 17 लाख 18 लाख का बजट में एक अच्छा सा 1BHK फ्लैट रेडी टू मूव में ब्रांड न्यू बिल्डिंग में आपको मिल रहा है। तो देर किस बात का, दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, विजिट के लिए प्लानिंग जरूर कर लेना, स्टेशन से हमारा पिकअप एंड ड्रॉप रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।